नंद भवन में जब सरकार प्रकट भय ठाकुर जी को बधाई देने शंकर जी भी आए। जैसे ही पहुंचे द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही सोई जसोदा मैया। हाथ में बढ़िया सामग्री लेकर के द्वार पर आई। अरे मांगो, क्या चाहिए? भोले बाबा बोले, देवी जी हम मांगने वाले बाबा नहीं है, फिर आपके बालक के दर्शन करने आए। जसोदा मैया ने नीचे से ऊपर तक देखा, हे भगवान इतने खतरनाक महात्मा। हे महाराज, हमारो लाला आपको मुंह देखेगे वो डर जाएगा, हम अपने छोरा को नहीं लाएंगे। आप दान ले लो, हीरा ले लो, जवाहरात ले लो, मोती ले लो, हम तो कहते एकाध गांव ले लो, गैया ले लो, पर छोरा के दर्शन ना करवाएंगे। भोले बाबा ने विचार करो, इस बार तो मैया बड़ी खतरनाक है, पिछली बार राम अवतार में तो बड़ी जुगत से चले गए। राम अवतार में भगवान शंकर राम जी के दर्शन के लिए ज्योतिषी का भेष बनाते। अब भोले बाबा जैसा कोई ज्योतिषी हो आप मन में विचार करो, जो तीनों लोकों की जानते। कोई आदमी स्नान करने जा रहा सोई वो बुला लेते थे, क्यों भाई तुम्हारे पिताजी का अमुक नाम है? हाँ महाराज। धीरे धीरे पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया। एक ज्योतिषी नंबर एक को है बहुत ज्ञानी, जो कहता वो सत्य निकलता। माता कौशल्या को पता लगा कोई ज्योतिषी है, कोई आचार है, बड़ा विद्वान है। माता कौशल्या ने भी खबर दी कि हमारे बालक की हस्तरेखा देखने पधारो। भगवान शंकर दशरथ भवन के नजदीक आए और जैसे ही राम जी को हाथ में गोद में लिया, राम जी बोले कैसे हो? बोले बाबा बोले ठीक है, आंखों में फिर आंसू बह गए भराए। राम जी बोले चिंता मत करो, इस बार हमारे दर्शन के लिए आपको रोना पड़ा, द्वापर युग में आपके दर्शन के लिए हम रो करके अपना बदला चुकाए। एक बात, क्या आपने कभी विचार किया कि भगवान राम दिन में आए, भगवान कृष्ण रात में क्यों आए? हुआ क्या, एक महीने के लिए राम अवतार में सूर्य भगवान गए ही नहीं। जब सूर्य नहीं गए तो चंद्रमा कहां से आया? लगी रोने रा, ब्राह्मणों ने किया हवन, हवन का धुआं राम जी के महल में भी गया, धुआं के साथ चलती हुई रात भगवान के भवन में पहुंच गई। रात भगवान के पीछे जाकर रोने लगी। भगवान ने मुड़ के देखा, कौन रो रहा, कौन हो? हाथ जोड़ के रात बोली, महाराज मैं हूं रात, रो क्यों रही? आपने जब अवतार लिया तो वो रूप बड़ा दिव्य था, उसका दर्शन सूर्य भगवान को तो बहुत अच्छे से हो गया, हमें नहीं हुआ, ना जाने दिन को तो बहुत अच्छा लाभ मिला, हम तो रात हैं, वैसे ही अंधेरे हैं, ऊपर से आपके दर्शन नहीं मिले तो कलंक लग जाएगा। भगवान राम बोले, रात रो मत, एक बात बताओ तुम सबसे ज्यादा अंधेरी कब होती हो? बोली भाद्रपद में। ठीक, तुम रो मत, अभी हम सूर्य वंश में आए तो दिन में आए, हम चंद्रवंश में जब आएंगे रात को रात्रि में 12 बजे आएंगे। अच्छा, राम अवतार का एक और भगवान कृष्ण ने वचन निभाया, क्या? मिथिला में जब भगवान पहुंचे धनुष भंग के पहले, मिथिला में राम जी के रूप को देख करके मिथिला की रानियां कहती हैं, क्या आस, हमें ये स्वीकार कर लेते, बड़ी कृपा होती। भगवान ने कहा अभी तो नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले अभी तो हमारे एक ही विवाह होगा, लेकिन तुम लोगों का मनोरथ व्यर्थ नहीं जाएगा, जब हम द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे तब हमारे अनेक विवाह होंगे, तब तुम सब हमारी रानियां बन सकती हो। ये भी भगवान कृष्ण ने काम पूरा किया। तो द्वार पर शंकर जी पहुंचे, आवाज लगाई, यशोदा मैया आई, महाराज हम आपको अपने छोरा के दर्शन नहीं करवाएंगे। क्यों? आपका विकट भेष, हमारा छोरा डर जाएगा। भोले बाबा गोकुल में आकर बैठ गए। इधर कन्हैया रोने लगे, माता यशोदा चौंक गई, ना जाने क्या हो गया है, हमारा बालक रो क्यों रहा है? एक बूढ़ी गोपी बोली, यशोदा एक बात बता, कोई आया तो नहीं था घर पर? मैया यशोदा बोली, और तो कोई नहीं, एक बाबा जी आए थे, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, कह रहे थे दर्शन करवा दो, नहीं करवाओगे तो हम नहीं जाएंगे। तो बूढ़ी गोपी बोली, हमें लगा तो उसी बाबा ने जादू टोना कर दिया है। ढूंढो ढूंढो महात्मा जी को बुला। कहाँ? ब्रज में। ढूंढा गया, गोकुल में एक वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे हुए थे। गोपी गई, महाराज आपको हमारी मैया ने बुलाया है, यशोदा रानी ने। हाँ हाँ गोपी, ठीक है चलो चलो, शंकर जी आए, यहाँ ठाकुर जी भोले बाबा के हाथ में आए। सोई ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया। भगवान शंकर जी बोले, आपको रोना पड़ा? ठाकुर जी बोले, पिछली बार आप रोए थे, इस बार हम रो लिए, हिसाब बराबर हो।